शहरी तालाबों की बनी दुर्दशा के बीच शहर के आजवारोड़ कमलानगर तालाब में आज एक साथ 31 जितने मृत अवस्था में कछुए बरामद होते हुए हलचल मची है। वडोदरा के आजवारोड़ पर स्थित कमलानगर तालाब का हाल ही में करोड़ रुपए के खर्च से रिनोवेशन किया गया है, जिसमें दो दिन पहले ही ये कमलानगर तालाब में ढेरों गंदगी और बदबू की समस्या को उजागर किया गया था। तो वहीं आज कमलानगर तालाब से एक साथ 31 जितने कछुए को मृत हालत में पाया गया। कमलानगर तालाब के पास रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर आए स्थानिक ने तालाब के पानी में पहले 4 से 5 जितने कछुए को मृत अवस्था में पाते हुए गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था को जानकारी दी गई थी, जहां संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्थल पर पहुंचकर ज्यादा कछुए को मृत हालत में पाते हुए बाद वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दोनों टीम के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तालाब के पानी से एक के बाद एक वैसे 31 जितने कछुए को मृत अवस्था में पाया गया। शेड्यूल एक में आते वैसे 31 कछुए को मृत अवस्था में पाते हुए गंभीर सवाल खड़ा हुआ है, जिसमें कछुए की मौत शायद बम फटने के कारण होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है, जहां तमाम मृत कछुए को तालाब के पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कार्यवाही जारी की गई। कछुए की मौत के बारे में आरएफओ निधि ने भी बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही मौत की वजह के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिसके बाद ये कछुए शेड्यूल एक में आने के कारण कानूनन कार्यवाही की जाएगी। आज शू बनाव बनो ते शू कर आज सवेरे अमारी संस्था गुजरात प्राणी कृत्य निवारण संस्था पर आज सवार 6:30 नागजी भाई तड़वी कर एक भाई फोन आयो तो कि तड़ावनी अंदर 5-10 काचबा मरेली हालत में है। तो राजेश भाव सर संस्था वड़ाए अमने जाण करता अमे अमारी एक टीम लई जोता तो खरेखर तड़ावनी अंदर मरेला काचबा था। त्यारबाद अमे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटना ACF साहेब डामोर साहेब ने जाण करी, तेओनी भी एक टीम आई, बन्ने टीम जोड़े रही, टोटल 32 काचबा तड़ावनी अंदर थी मृत हालत में मड़ी आवेल छे। शू आमा कोई झेरी पदार्थ के बॉम्ब कई फोड़वामां आव्युं के बनी सके? बनी सकता है, पण अत्यार PM रिपोर्ट आया पछी ज बधुं ख्याल आवे के क्या कारण थयुं छे। अत्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काचबाओ लई गया छे PM करवा माटे, तो PM रिपोर्ट आया बाद आगली तपास थाय। अमारी गुजरात प्राणी कृत्य निवारण संस्थाथी एवुं कहेवुं छे के आ काचबा शेड्यूल 1 में आवता जे छे तेना माटे जेने भी आ कार्य कर्यो एनी सामे कायदेसरनी कार्यवाही करे एवी अमारी संस्था थ्रू मांगणी छे। शुं नाम छे? गुजरात प्राणी कृत्य निवारण संस्था, रमेशभाई। सी घटना घटी छे अहींया? आ वडोदरा શહેરનો આજવા રોડ ફાતે આવેલ કમલાનગર તળાવ છે। આ તળાવમાં લાખો કરોડોના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન કરીને તળાવને નવું બનાવવામાં આવ્યું છે, સાથે આજે આ તળાવની અંદર અસંખ્ય કાચબાના મૃત્યુ થયા છે અને આ કાચબાઓ શેડ્યુલ 1માં આવતા હોય આ મૃત્યુ થવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ વન વિભાગને અધિકારીનું કહેવું છે કે આ તળાવની અંદર કોઈએ માછલા પકડવા માટે બોમ્બ ફોડ્યો હોય અને બોમ્બ ફોડવાના કારણે 31થી વધુ કાચબા મરી ગયા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આ તળાવ જેને પણ ભાડે આપ્યું હોય તેની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવે, જેણે બોમ્બ ફોડ્યો હોય તેને પણ શોધવામાં આવે, અને શેડ્યુલ 1ના કાચબા છે એટલે જો એક શેડ્યુલ 1ના કાચબા એટલે માનવના મૃત્યુ પ્રમાણે એક કાચબાનું મૃત્યુ ગણી શકાય છે। 31 કાચબાના મૃત્યુ થયા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાને અમારી વિનંતી છે કે આ બાબતે જે પણ લોકો જવાબદાર હોય તેની સામે તાત્કાલિક કાયદેસરના પગલાં ભરે અને આવો ફરીથી બનાવ ન બને તેવા પ્રયત્ન કરે।